अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद भरोही और असद भरोही व्लॉग्स में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मौला जट के पास। अब मौला जट का नाम सुनते ही आपके जहन में आया होगा बड़ी बड़ी मूछों वाला कोई पुराना हीरो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं आप सब आपको मौला जट से मिलवाता हूँ। एक ये है यहाँ पर मौला जट, ये बड़े बड़े सिंगों वाला जानवर। इसके सिंगों का साइज़ क्या है मुझे नहीं पता, देख के इस वक्त इससे डर लग रहा है। इसके बारे में मालूम लेते हैं इसके ओनर से, आगे चल के मज़ीद दे रहा है मज़ीद। उसके बाद एक ये है मौला जट। अब आप सोचेंगे कि भाई दो मौला जट क्यों हैं, दो मौला जट होने की वजह इनके ओनर से पूछते हैं। कुर्बानी तो हर इंसान करता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छे जानवर की कुर्बानी करे, लेकिन ये एक अनोखी कुर्बानी, अनोखे जानवर। एक ये पंचफेस की गाय है, एक ये पाड़ा है, उसके बाद एक ये छोटी सी आपको नीचे बैठी हुई गाय नज़र आ रही होगी, ये भी पंचफेस की है। नायाब और मुनफरद किस्म के जानवर हैं। एक ये ऊँट है, इस ऊँट के बाद एक ये दुम्बा है जिसके मुझे इस वक्त चार सिंग नज़र आ रहे हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और उसके बाद एक ये नाइजेरियन छोटा सा नायाब सा क्यूट सा बकरा है, ये देखें। तो ये तमाम जानवर जिन साहब के पास हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और इनके बारे में मालूमात रहते हैं कि जी ये इस तरह का शौक़ कब से है आपको, और ये जानवर ख़ुद पालते हैं अपने पास तैयार करते हैं या ये लेकर आकर यहाँ पर कुर्बानी करते हैं इनकी। आए जी नाज़रीन, जिन साहब का ये मुनफरद शौक़ है उन साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। इनका नाम है शहज़ाद रईस। शहज़ाद रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये आपके जानवर देख के बहुत अच्छे लगे और आपका ये सुन्नत इब्राहिम अदा करने का तरीका भी काफ़ी पसंद आया। तो मैं सिर्फ़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि मौला जट इनमें कौन कौन से हैं, और मुझे पता चला है कि दो मौला जट हैं इनमें, बाकी सारे इनके साथ के हैं। तो इनके बारे में मुझे सबसे पहले मौला जट के बारे में बताएँ, उसके बाद फिर मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये सिंह वाला है, बेसिकली इसका नाम नूरी है और वो वाला मौला है, तो वो दोनों मिला के हमने उसका मौला जट नाम रख दिया है ताकि वो अलग अलग कन्फ्यूजन नहीं हो। वैसे ये दोनों ही मौला जट है। जितने बड़े साइज़ में आपको बछड़ा नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये ख़ास करके ऑस्ट्रेलियन ब्रीड और देसी का क्रॉस होता है, उसके बाद फिर ये ब्रीड बनती है। तो ये मीट वेट में जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है, ये मीट के लिए एक्चुअली इसकी ब्रीडिंग होती है पूरी दुनिया के अंदर, तो इस वजह से इसका साइज़ इतना बड़ा है और देखने में बड़ा मुनफरद लगता है। अच्छा, इसके अलावा जो हम बराबर में देख रहे हैं पंचफेस, ये पंचफेस के बारे में बताएं, क्या ये पंचफेस नस्ल है या ये पंचफेस एक नायाब चीज़ किसी न किसी ब्रीड में से आ जाती है? देखिए, अब मैं हर चीज़ पे थोड़ा नायाब की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि चीज़ें सारी नायाब हैं। तो ये भी जो ब्रीड है ये कोई नस्ल नहीं है, ये हज़ारों में कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जो इस शेप में पैदा होता है जिसकी पंच फेस होता है और उसका फेस बिल्कुल राउंड होता है। तो ये बहुत ही रेयर होता है और बड़ा एक्सपेंसिव होता है ये। अगर आप वैसे परचेज़ करने के लिए जाएं तो हमारा शौक़ है, हम उससे पालते हैं, बड़ा करते हैं और उसकी खिदमत करते हैं तो हमें पड़ जाता है, वरना ये मतलब अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत रेयर नस्ल है, ये बहुत रेयर है ये। ठीक है सर, अब नायाब की तरफ जा ही रहे हैं तो उसके बराबर में एक और नायाब चीज़ है, वाइट कलर का फेसा, इसके बारे में बता दें। ये भी अपने में बिल्कुल नायाब है क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मली आपको इस ना काले और सफ़ेद चिट्टों में काफ़ी नज़र आएंगे, लेकिन ये ऐसा बछड़ा है ये पूरा पिंक है। इसके अंदर कहीं भी आप ढूंढेंगे तो आपको कहीं भी एक सिक्का भी ब्लैक नहीं दिखेगा, तो इस वजह से ये मुनफरद है अपने उस। मैंने एक और स्पेशल चीज़ नोट की है, इसकी जो आँख है आँख का पुतला गोल शेप में नहीं है, दिल के शेप में, ये क्या है? बस असल में आप ख़ुद भी शौकीन है मुझे लग रहा है क्योंकि जो आपने चीज़ नोट करी है वाकई में इस नस्ल की खासियत है। जो ये पूरा पिंक होता है इसकी आँखों में एक ऐसा शेप बनता है जो बिल्कुल हार्ट जैसा लगता है, वो इसका आँखों का ब्लैक कलर का जो दीदा होता है वो बिल्कुल हार्ट के शेप का होता है। ये बहुत कम लोग इसको समझते हैं देखते हैं जैसा आपने नोट किया। अच्छा, उसके बाद ये जो छोटी सी देख रहा हूँ, क्या ये बच्चिया है छोटी या ये बड़ी उम्र की गाय है, इसका साइज छोटा है? ये पूरी है इस वक्त, ये सब में चार दांत हो चुकी है, इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और अभी मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में, दावा तो नहीं करता लेकिन पाकिस्तान में पंच फेस में इतनी छोटी बच्ची आपको मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऊँट है ये मुझे काफ़ी बड़ी साइज़ का भी लग रहा है और इसके पंजे भी मज़ीद और ऊँटों से मुझे हैवी लग रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? एक्चुअली ये लाड़ी नस्ल का ऊँट है, मतलब ये सिंधी नहीं है, ये लाड़ी नस्ल है। ये ज़्यादातर फाइटिंग के लिए यूज़ होती है, ये आपस में लड़ाने में लोग शौक़ करते हैं और उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इनके जो पैर होते हैं वो ख़ास करके बहुत चौड़े और बहुत भारी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इसका पैर देखें तो इसके पैर काफ़ी मोटे हैं, तो इसी पे ये लोग फाइट के लिए मतलब सेलेक्ट किए जाते हैं।
तो ये लाड़ी नस्ल है, ये भी जो है खास नस्ल होती है फाइटिंग के लिए। ये मुझे एक मुनफरद सा दुम्बा भी नज़र आ रहा है, इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था कि इसके चार सिंग हैं। जी हाँ, इसके बारे में बताएं। इसके चार सिंग होते हैं और ये भी एक ख़ास किस्म की ब्रीड होती है, लेकिन अब ये अमूमन आपको कभी नज़र आ जाती है क्योंकि लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने भी इस पर काफ़ी काम किया, अभी इस तरह के हमारे पास 2-3 बच्चे ऑलरेडी फार्म पे मौजूद हैं। हाँ। उन्हें हम तैयार कर रहे हैं अगले साल के लिए। अच्छा, ये चार सिंग होने की वजह क्या इसकी नस्ल है या ये नायाब आ जाते हैं अलग नहीं से? ये इसकी नस्ल पहले थी नहीं, लेकिन जब ये इस तरह से हुए तो लोगों ने इसकी ब्रीड कराना शुरू कर दी है, तो इस वजह से अब ये थोड़े बहुत आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये ब्रीड बनाई गई है। अच्छा, क्या ये जैसे चार सिंग और चार सिंग वाले से ब्रीड कराई जाती है जी, तो क्या इसमें जो इसके बेबी हैं वो भी चार सिंग वाले आते हैं या उसमें 2 या 3 सिंग वाले भी आ जाते हैं? नहीं, लेकिन उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ये आपके नसीब के ऊपर होता है अगर कोई बच्चा ऐसा निकला इवन क्रॉस के बाद भी, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर सेम अगर उनके दोनों के चार सिंग और क्रॉस करें तो काफ़ी चांसेस है कि एक आध बच्चा हो जाए इस तरह से, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल से मतलब ये होते हैं। इसमें 5 सिंग वाला भी हमारे पास एक है। अच्छा। हो सकता है इसे हम इस बकरा ईद में ही लेकर आएँ, हो सकता है अगले साल लेकर आएँ। इसके बारे में बताएं कि ये इतना छोटा सा जो बकरा है क्या ये अभी बच्चा है? नहीं नहीं, ये बच्चा नहीं, ये पूरा है इस वक्त। अच्छा। और भी देखिए 4 दांत हो चुका है ये, लेकिन ये नाइजीरियन नस्ल का बकरा है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब लोग आ रहे हैं इसकी पिक्चर्स लेके जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कहाँ से लाए आप लेकिन बस ये कि हम लोग शौकीन हैं तो हम लोग के पास खुद ब खुद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक्चुअली नाइजीरिया का नस्ल है, नाइजीरिया की। इसके देखिए हेड के ऊपर हार्ट सब बना हुआ है जी जी, तो ये बड़ा इसकी एक बड़ी निशानी होती है इसकी। अच्छा, इस मतलब इसकी नस्ल ही ऐसी है कि ये छोटा है? नस्ल ही ऐसी है, आप जो भी कर लें ये इतना ही रहेगा। तो इसके बारे में बता दें कि ये इतनी सारी कलेक्शन आप कैसे जमा करते हैं? हमें भी दिखने को कम मिलते हैं, मंडी भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, तो ये कैसे जमा करते हैं? असल में हम लोग शौकीन हैं, तो जब कोई ऐसी चीज़ मार्केट में आती है तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं हम लोग ऐसी चीज़ का शौक करते हैं, तो हमें खुद ब खुद कॉल्स आ जाती हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम उससे परचेज कर लेते हैं। बाकी ये है कि आपकी ये जितनी भी परचेजिंग है, जो भी आप चीज़ रखते हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए और कुर्बानी के लिए, कोई आपका कोई बिजनेस नहीं है? नहीं, ये बिजनेस हमारा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ शौक है और बस ये कुर्बानी के लिए करते हैं हम लोग अपनी शौक की चीज़। रईस साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपके जानवर देख के, और उम्मीद है कि मज़ीद और आपके पास जानवर आएंगे तो आपके पास चक्कर लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, तो ये थी कुर्बानी के जानवरों की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।